जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं भी भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम नेक्स्ट क्लास पे आए हैं। पिछली क्लास हमने बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई पढ़ी थी और उनका जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम जैन धर्म का जो है के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक जो है जैन धर्म के यानी कि महावीर स्वामी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रारंभिक नाम, यानी कि जैन धर्म का जो है वो प्रारंभिक नाम क्या था। तो इनका प्रारंभिक नाम जो था वो था वर्धमान। जन्म इनका जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थान कुंड ग्राम में वैशाली में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ, जात्रक कुल के मुखिया थे, मतलब एक प्रकार के आप जैसे हमारे गांव में जो है प्रधान होते हैं उसी प्रकार के, यानी कि उस टाइम जो है वो मुखिया हुआ करते थे मेन। तो माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राज्य की जो चेतक, राजा चेतक की बहन थी, तो उनके साथ जो है उसके पापा की शादी हुई थी सिद्धार्थ की। पत्नी का नाम जो है इनकी का वो यशोधरा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। दामाद हुए हैं इनके, जामिल उनका नाम है, जो कि यही पहले इनके शिष्य थे और उन्होंने ही इनसे शादी कर ली थी यानी कि प्रियदर्शना से। तो इसलिए ये पहले मतलब इनके शिष्य भी रहे और साथ में दामाद भी थे। और ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो जुम्बिक ग्राम में यानी कि त्रिजुपालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। और प्रथम उपदेश की बात करें तो इन्होंने कहां पर दिया था? राजगृह में दिया था। तो ये था ये वन लाइनर में जो इनका जीवन परिचय था। तो आपको ये जीवन परिचय कैसा लग रहा है? ये शॉर्टकट में होता है, बहुत अच्छा रहता है वन लाइनर फॉर्म में। फटाफट जो है इसकी क्लियरिटी आप कर लीजिए तो सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो स्वयं तप, तब बनी है तप है, तप के माध्यम से आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो संसार रूपी सागर को पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, यानी कि जो तीर्थ की रचना करते हैं उन्हें तीर्थ या तीर्थकर कहलाते हैं। क्या है? तीर्थकर की ये डेफिनेशन है, तो याद रख सकते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे, जो कि पहले तीर्थकर भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले तीर्थकर कौन थे तो वो भी याद रख सकते हैं, और जैन धर्म के संस्थापक जो कि आपके कौन थे? ऋषभ देव। और आप कहेंगे कि महावीर स्वामी तो ये अंतिम रहे, हम आगे हम देख रहे हैं। ये देखिए 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी रहे हैं, और हर किसी तीर्थकर के जो है यानी कि 24 तीर्थकर रहे हैं, हर किसी के अपने अपने प्रतीक चिन्ह रहे हैं। जैसे कि पहले जो थे इनका जो है सांड इनका प्रतीक चिन्ह था, जो अंतिम थे यानी कि महावीर स्वामी तो उनका शेर था। इसी प्रकार से बहुतों का है, तो हमें पेपर के व्यू के हिसाब से चलना चाहिए, तो इसलिए पेपर के व्यू में जो है हमें पहला और अंतिम जो है वो याद करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है। इन्हें गुर शिखर, ये है गुर शिखर जो है झारखंड में है, यहां पर इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए यहां पर जो है गुर शिखर पर मंदिर भी बना दिया गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चार नियम बताए। पहला नियम कि भैया हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, और संपत्ति को भी एक जगह एकत्रित करके नहीं रखना, उतना रखो जितने की जरूरत हो। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के लगभग 250 साल पहले हुए थे, ठीक है, अलग अलग ईयर्स के जो है अंतराल में ये जो आए थे। तो इसी प्रकार से उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा, तो आध्यात्मिक जीवन को देख लेते हैं हम। तो आध्यात्मिक जीवन क्या कहता है? महावीर स्वामी ने 30 साल, उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, इन्होंने 30 साल की उम्र में, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, और बड़ा भाई था इनका जिसका नाम था
दीव बर्मन, क्या नाम था, नंदी वर्धन। तो नंदी वर्धन से अनुमति ली, यार भैया मैं अब जा रहा हूं और अब आप जो है मेरे घर की यानी कि अपने घर की संपत्ति यानी कि जो भी खेत हैं या जो भी हैं उनका घर का ध्यान रखो और मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। और वो उन्होंने सन्यासी जीवन जो है वो स्वीकार कर लिया। उन्होंने 12 साल तक जो है त्रिजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर स्वामी ने पहले साल वृक्ष के नीचे बैठ के जो है तपस्या की थी 12 साल तक, और उसके बाद जो है उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उसको कैवल्य कहा जाता है। जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई उस समय को जो है कैवल्य कहा गया है 12 साल के अंतराल। इसी समय जो है महावीर स्वामी में ने जो है पूज्य अर्थ निग्रंथ बंधनहीन जिन यानी कि विजेता भी अलग अलग नामों से जो है ये इनको बुलाया गया या पुकारा गया था। महावीर स्वामी ने जो है अपनी जो मतलब उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे और बुद्ध ने जो है वो पाली भाषा में दिए थे, दोनों में डिफरेंस है। इन्होंने पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया है। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु जो थे वो जामिल थे, बाद में वही उनके दामाद भी बने। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी, यानी कि महावीर स्वामी के दो बाद में दो है प्रमुख अनुयायी बने, वो थे भद्रबाहु और स्थूल। अब भद्रबाहु और स्थूल यानी कि भद्रबाहु को हम दिवंगर कहते हैं और स्थूल भद्र को जो है श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर और भद्रबाहु यानी कि जो भद्रबाहु होते हैं वो नंगन अवस्था में यानी कि विदाउट कपड़ों में रहते हैं और जो श्वेतांबर होते हैं वो व्हाइट कपड़े पहनकर जो है वो मूव करते हैं इधर से उधर, जब भी मतलब चलते हैं तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, तो ये आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया था जिसके कारण क्या हुआ कि भद्रबाहु ने जो अपने अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत के में कर्नाटक की तरफ चले गए और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उनके साथ चले गए क्योंकि वो भी इनको मानते थे जैन धर्म को इसलिए, और उन्होंने सलेखना भी दी यानी कि खाना पीना छोड़ दिया और साथ में प्राण अपने जो है उन्होंने इस प्रकार से त्याग दिए थे, ठीक है जी। तो आप ये याद रखिएगा सलेखना विधि। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं वन बाय वन जो उसके बनते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म से कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। जैन धर्म का पहला प्रश्न देखिए, जैन धर्म से है मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का मुख्य केंद्र था, मथुरा में कला एवं जैन धर्म का से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कर्नाटक में चामुंडा शासकों ने बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाई तो उसको गोमेश्वर की मूर्ति कहा गया। ये गोमेश्वर की जो है कर्नाटक में है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है उससे पहले ये गोमेश्वर की मूर्ति हुआ करती थी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी कि दूसरे नंबर की मूर्ति जो है गोमेश्वर की मूर्ति है। मध्य प्रदेश में जो है चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में आया है और कई बार ये पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर जो है वो किससे जुड़े हैं, तो जैन धर्म से जुड़े हैं। खजुराहो मंदिर किसने बनाया, तो चंदेल शासकों ने बनाया है और कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में जो है माउंट आबू है, ठीक है, और माउंट आबू भी में जो है वो दिलवाड़ा मंदिर है जिसको जो मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो माउंट आबू को हम छोटा शिमला भी कहते हैं, तो जो हमारा छोटा शिमला यानी कि माउंट आबू है वो वहां पर दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म से जुड़ा है, ये राजस्थान में है। तो हमें ये टॉपिक्स जो है वो अच्छे से लर्न कर लेने चाहिए और ये टॉपिक्स जो है कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम जो है आपको अलग अलग टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।